दिया हुआ है प्रश्न कि वक्रों y इक्वल टू ई एक्स लॉग एक्स बेस ई और y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई अपॉन ई एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि log e बेस e इक्वल टू 1। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए पहले हमें दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होता है। तो हम लिखेंगे कि दिए हुए वक्रों का समीकरण, y इक्वल टू ई एक्स लॉग एक्स बेस ई, माना कि समीकरण एक है। दूसरा समीकरण दिया है y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई अपॉन ई एक्स, समीकरण दो। तो समीकरण एक व दो के प्रतिच्छेद बिंदु पर, देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो समीकरण एक और दो से लिख सकते हैं ई एक्स लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई अपॉन ई एक्स, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ई एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स ई एक्स। यहां पर हम ये मान करके चल रहे हैं कि बेस ई है, यहां पर इन दोनों स्थानों पर मैं बेस नहीं लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू जीरो। यहां से अगर आप लॉग एक्स को कॉमन लें तो यहां पर आएगा ई एक्स माइनस वन अपॉन ई एक्स इक्वल टू जीरो। यहां से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा लॉग एक्स ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। लगता समय पर ई एक्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, इधर शून्य मिल जाएगा। दो अलग अलग पदों का गुणनफल शून्य है, तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो या लॉग एक्स इक्वल टू जीरो। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई और यहां से आपको मिल जाएगा एक्स इक्वल टू वन। तो ये वह बिंदु हमें मिल चुका है जो कि इन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम वन बाई ई टू वन वाई वन माइनस वाई टू डीएक्स। वाई वन जो है पहले समीकरण से मिलेगा, वाई टू जो है यह दूसरे समीकरण से मिलेगा। तो यहां पर हम मान रख देते हैं ये वन बाई ई टू वन वाई वन, दिस इज ई एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स ई एक्स देन डीएक्स। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो पद है पहला पद इसे अलग लिखते हैं और दूसरा पद इसे अलग लिखते हैं, ई एक्स लॉग एक्स डीएक्स, फिर ये वन बाई ई टू वन लॉग एक्स ई एक्स डीएक्स। मान करके चलते हैं कि ये समीकरण तीन है, समीकरण तीन इसको पहला भाग और ये दूसरा भाग, तो दोनों को अलग अलग हल करेंगे और फिर पुनः यह मान को उसमें रख देंगे। तो इसमें पहला अवकलन था ई एक्स लॉग एक्स डी एक्स, यहां पर हम अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ई जो है ये कॉन्स्टेंट हमें दैट इज फ्री फ्रॉम एक्स, तो ई जो है ये बाहर आ जाएगा और आपको मिलेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स लॉग एक्स डीएक्स। तो खंडसा समाकलन का उपयोग करके हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो पहला पद दूसरे, इसे हम पहला पद मान के चलेंगे और एक्स को दूसरा पद मान करके चलेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इसका होल इंटीग्रेशन। सो ये आपको मिल जाएगा ई इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस, यहां से वन बाई टू कॉमन आएगा और यहां पर आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली एक्स और एक्स का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। तो इस तरीके से आपको मिल रहा है ई इंटू
एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अर्थात लिमिट है वन बाई ई टू वन ई एक्स लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू ई, और ये जो पूरा टर्म है एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, इसमें लिमिट वन बाई ई टू वन, ये पुट करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा ई, पहले एक्स स्क्वायर के एक्स के स्थान पर हम एक रखेंगे, तो ये मिल जाएगा एक बटे दो लॉग एक ऋण एक बटे चार, और फिर ऋण चिन्ह के बाद में इसमें लोअर लिमिट रखेंगे, तो एक्स के स्थान पर हम वन बाई ई रखेंगे, तो मिल जाएगा वन बाई टू ई स्क्वायर लॉग वन बाई ई, माइनस और माइनस प्लस वन बाई फोर ई स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। सो लॉग वन जीरो होता है, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस वन बाई फोर, और फिर ये माइनस वन बाई टू ई स्क्वायर, वन बाई ई है तो ये इसे हम लिख सकते हैं लॉग ई का पावर माइनस वन, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इसे हम लॉग ई लिख सकते हैं, फिर ये वन अपॉन फोर ई स्क्वायर, लॉग ई बेस ई वन होता है, तो इस ये टर्म का मान जो होगा वो हमें एक प्राप्त हो जाएगा, तो ये ई, और फिर ये माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई टू ई स्क्वायर प्लस वन बाई फोर ई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली फोर ई स्क्वायर इसका लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा, और ये आपको मिलेगा माइनस ई स्क्वायर प्लस टू प्लस वन। सो सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है थ्री माइनस ई स्क्वायर अपॉन फोर ई, यहाँ का ई स्क्वायर का जो एक घात है ये कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें मिल रहा है थ्री माइनस ई स्क्वायर अपॉन फोर ई। ये हमें मिल गया पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ लिमिट। अब पुनः हमें सॉल्व करना है दूसरे इंटीग्रेशन के लिए, ये है इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स इंटू वन बाई एक्स डी एक्स। तो इसमें जब इसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसे सेकंड फंक्शन लेंगे, तो पहले हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वन बाई एक्स, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो आपको मिल जाएगा लॉग एक्स, और फिर इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये जो फंक्शन है ये लेफ्ट में जो फंक्शन है यही राइट में फंक्शन आ रहा है, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये टू टाइम्स हो जाएगा, टू टाइम्स लॉग एक्स इंटू वन बाई एक्स डी एक्स, और हमें लिमिट, हमें फंक्शन इस वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन चाहिए, इसका मतलब है कि लॉग एक्स वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा वन बाई टू लॉग एक्स का स्क्वायर। सो यहाँ से अब हमें लिमिट पुट करना है, तो लिमिट वन बाई ई टू वन, देन दिस इज नथिंग बट लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये जो लिमिट हमें मिला है ये फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे जो मिला है उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लॉग एक्स का स्क्वायर है ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट वन बाई टू, पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो मिल जाएगा लॉग वन का स्क्वायर, लॉग वन का स्क्वायर, और लॉग वन हमें मिलता है जीरो, फिर माइनस लॉग वन बाई ई का स्क्वायर, अल्टीमेटली ये आपको मिल जाएगा वन बाई टू दैट विल बी जीरो, और माइनस ये पावर वन बाई ई है तो ई का पावर माइनस वन लिख सकते हैं, और लेकिन इस पद का वर्ग है तो अल्टीमेटली ये जो साइन माइनस है माइनस ही रहेगा, और इसे आप लिख सकते हैं लॉग ई, लॉग ई वन मिलता है तो वन बाई टू इंटू जीरो माइनस वन दैट विल बी माइनस वन बाई टू। तो एक मान हमें यहाँ से मिला, मान के चलते हैं कि चौथा है और ये मान पांचवा है, इन दोनों को समीकरण तीन में रख देते हैं तो हमें अभीष्ट मान मिल जाएगा। समीकरण तीन से अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर
थ्री माइनस ई स्क्वायर अपॉन फोर ई प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस वन बाई ई माइनस वन बाई टू। सो यहां से माइनस और माइनस प्लस, तो ये थ्री माइनस ई स्क्वायर अपॉन फोर ई माइनस माइनस प्लस हो गया वन अपॉन टू ई। दोनों से लगता हूँ सौपर्थ निकालेंगे तो मिल जाएगा फोर ई और ये है थ्री माइनस ई स्क्वायर प्लस टू, तो थ्री प्लस टू फाइव, तो ये फाइव माइनस ई स्क्वायर अपॉन फोर ई। तो ये वह अभीष्ट उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। और अगर इसका यूनिट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वर्ग इकाई। अगला प्रश्न दिया गया है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई नाइन प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू वन एवं रेखा एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई टू इक्वल टू वन से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिए गए दीर्घवृत्त का समीकरण ये मिला है एक्स स्क्वायर बाई नाइन प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू वन। मान लेते हैं कि समीकरण एक है, तो ये एक ऐसे दीर्घवृत्त का समीकरण है जो कि x अक्ष में तीन इकाई का अंतःखंड और y अक्ष में दो इकाई का अंतःखंड काटता है। तो इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बाई थ्री का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू वन। इसे हम समीकरण एक का नाम देते हैं। और रेखा का जो समीकरण है x बाई थ्री प्लस वाई बाई टू इक्वल टू वन समीकरण दो, ये एक ऐसी रेखा का समीकरण है जो कि x अक्ष के साथ तीन इकाई का अंतःखंड काटता है और y अक्ष के साथ दो इकाई का अंतःखंड काटता है। तो इस तरीके से आप राइट साइड पर चित्र में देख सकते हैं कि ये एक दीर्घवृत्त है और रेखा कुछ इस तरीके से गुजर रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दीर्घ वृत्त का दीर्घ अक्ष जो है, दीर्घ वृत्त का दीर्घ अक्ष जिसे हमने ए ए डैश इस तरीके से नाम दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा 2a और 2a इक्वल टू यहां पर आपको मिल जाएगा 6। और लघु अक्ष ये है बी बी डैश इक्वल टू टू टाइम्स बी, तो दो दुनी चार मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो होता है मानक रूप में यदि देखा जाए तो दीर्घवृत्त का समीकरण मिलता है ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन इस फॉर्म में। इसे जब तुलना करेंगे तो ए का मान यहाँ से तीन मिल रहा है और बी का मान दो मिल रहा है। तो इस तरीके से ये आपका दीर्घ अक्ष हो गया और ये लघु अक्ष की लंबाई हुई। तो रेखा दो जो है ये, जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक्स अक्ष के साथ तीन और वाई अक्ष के साथ दो इकाई का अंतःखंड काटती है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो इसलिए हम यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, जो क्षेत्रफल हमें चाहिए है लघु क्षेत्रफल जो पूछा गया है, तो इसे हम लिखेंगे कि क्षेत्र बी पी ए बी। देखिए ये बी है, ये पी है, ए और बी, एक बंद क्षेत्र बन रहा है छोटा सा, इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए है। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यह कर सकते हैं कि ओ बी पी ए ओ ये क्षेत्र, और इसमें हम दूसरा जो क्षेत्र है ओ ए बी इसका क्षेत्रफल हम घटा दें तो हमें अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसलिए अभीष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमें इंटीग्रेशन 0 to 3 y c dx माइनस 0 to 3 y l dx ये हमें मिल जाएगा। y l का मतलब है यहां से हम लाइन के लिए लेंगे और c का मतलब है कि दीर्घवृत्त से y का समीकरण लेंगे। y c वक्र एक दीर्घवृत्त से संलग्न y है और y l जो है वो रेखा दो से संलग्न y का मान है। तो यहाँ से समीकरण एक से हमें y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम
इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 9। सो अल्टीमेटली यहाँ से हमें मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 लिख सकते हैं, या फिर 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि समीकरण 2 से हमें मान पूछा जाए, इसे मैं c लिख लेता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। यहां से यदि आपको y का मान पूछा जाए तो आप लिखेंगे y बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 3, और y का मान मिल जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स बाई 3। तो ये जो मान हमें मिल रहा है यहाँ पर, इसका उपयोग करेंगे और यहाँ से दीर्घवृत्त से जो y का मान मिला है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 टू 3 वाई सी, दैट इज 4 तो कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पर भी जो 2 है ये अचर राशि, ये बाहर आ जाएगा। 0 टू 3 1 माइनस एक्स अपॉन 3 dx। तो इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और इसे सरल करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि ये 4/9 कर लेते हैं, 0 टू 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर वाई सी का स्क्वायर मिला है तो यहाँ पर जो हमें मान मिल रहा है ये स्क्वायर रूट यहाँ पर लग जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा 3, और स्क्वायर रूट के अंदर है 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस 2, और ये 3 को हम बाहर ले लेते हैं एलसीएम लगभग तो समापर्त निकाल करके, तो ये मिल जाएगा 3 माइनस एक्स डी एक्स। इस समीकरण से हम पहले वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस, अगर इसका एलसीएम ले तो ये आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, और अल्टीमेटली y इक्वल टू मिल जाएगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये 2 और 3 ये बाहर आ जाएगा, और फिर ये आप लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये दीर्घवृत्त है तो इसके लिए हम c का उपयोग कर रहे हैं इसके y को प्रदर्शित करने के लिए। और दूसरा ये कि रेखा का समीकरण हमें दिया हुआ है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो ये एक ऐसी रेखा का समीकरण है जो कि x अक्ष के साथ 3 इकाई का और y अक्ष के साथ 2 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं, ये मिल जाएगा y बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस x बाई 3, और यहाँ से यदि आप सिर्फ y का मान निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 माइनस एक्स अपॉन 2, या फिर y इक्वल टू ये 2 3 2 इंटू 3 माइनस एक्स अपॉन 3। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 बाई 3 और 3 माइनस एक्स, l फॉर लाइन, इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए कि दीर्घवृत्त और रेखा इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हमें ज्ञात करना है। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण है जो कि एक्स अक्ष में 3 इकाई पर और वाई अक्ष में 2 इकाई पर अंतःखंड काट रहा है। तो अगर इसको ग्राफ में प्लॉट किया जाए तो जिस तरीके से आपको राइट साइड में चित्र में दिखाई दे रहा है वैसा कुछ ग्राफ एग्जैक्टली बनेगा। और चित्र से आप देख सकते हैं कि यदि इसके लिए दीर्घवृत्त देखा जाए तो दीर्घवृत्त जो है वो a डैश होता है और 2 टाइम्स a होता है। मानक रूप जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे तुलना करेंगे तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, और दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष a डैश है, और लघु अक्ष या माइनर एक्सिस देखा जाए तो ये बी डैश है, दैट इज 2b, सो 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो यदि हमें अभीष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, अर्थात छोटा छोटा क्षेत्र
के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो हम इसे लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर बी पी ए बी का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसे हम दो अलग अलग क्षेत्र के अंतर के रूप में लिख सकते हैं, ओ बी पी ए ओ का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल। चित्र में आप देख करके इसे समझ सकते हैं। तो यहां से अभीष्ट क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो ये x का जो मान है वो शून्य से 3 तक बढ़ रहा है, yc मतलब y का जो मान है ये दीर्घवृत्त से संबंधित मान है, dx माइनस 0 to 3 yl dx, l का मतलब है लाइन, y का वह मान जो कि लाइन से रेखा के समीकरण से संबंधित है। तो इस प्रकार यहां पर हम मान रख देंगे 0 to 3 yc, ये मान रखेंगे जो 2/3 है ये तो अचर राशि है, तो 2/3 को हम बाहर ले लेते हैं, 0 से 3 और ये 9 ऋण x का वर्ग dx माइनस माइनस फिर से यहाँ पर 2/3 जो है ये अचर राशि है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा और ये 3 माइनस x dx। तो इसको हमें आगे समाकलन करना है और फिर मान रख करके आगे सरल करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये हमें मिलता है 1/2x इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस सूत्र का उपयोग करेंगे पहले समाकलन को सरल करने के लिए। तो हमें जो अभीष्ट क्षेत्रफल मिल रहा है 2/3, ये तो कांस्टेंट है, इसका समाकलन करेंगे। देखिए यहाँ पर ए के स्थान पर 3 रखेंगे तब ये ए का वर्ग आ जाएगा। तो इस समीकरण में या सूत्र में हम मान रख देते हैं 1/2 एक्स के स्थान पर तो एक्स ही है और फिर स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, फिर 1/2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 9 और फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए दैट इज एक्स अपॉन 3। उसके बाद में ये जो फलन है इसका समाकलन हम लिख सकते हैं -2/3, 3 का समाकलन 3x और x का समाकलन x²/2। अब इसमें हमें वो लिमिट अप्लाई करनी है 0 to 3, ये 0 to 3 यहाँ पर भी और 0 to 3 यहाँ पर भी, तो ये आगे मिल जाएगा 2/3 x के स्थान पर हम पहले 3 रखेंगे अपर लिमिट, तो ये 3/2 9 माइनस 9 3 का स्क्वायर और फिर ये 9/2 साइन इनवर्स 3/3 दैट इज 1 माइनस, जब 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और माइनस 9/2 साइन इनवर्स 0/3। इसी प्रकार -2/3 पहले अपर लिमिट रखेंगे 3 * 9 ऋण 3 * 9 9/2 फिर ऋण 0 रखेंगे x के स्थान पर तो पूरा मान हमें 0 प्राप्त होगा, तो आगे इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है 2/3 और ये अल्टीमेटली आपको 0 मिल जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म आपको 0 मिलेगा। 9/2 साइन इनवर्स 1, तो ये आपके π/2 रेडियन के लिए यह मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार साइन जीरो के लिए मिलता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमें 0 मिल जाएगा। फिर -2/3 और 9 - 9/2, तो ये मिल जाएगा अगेन 9/2, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 * 9, तो ये 3π/2 माइनस ये 2 और 2 कैंसिल और ये 3, तो ये अगर दोनों से यदि हम 3 को घनिष्ठ निकालना चाहें तो मिल जाएगा π/2 - 1 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आया। और अगर पूरे के पूरे 3/2 को आप कॉमन लेना चाहते हैं तो ये मिल जाएगा π -
पाई माइनस 3/2 इंटू पाई माइनस 2 वर्ग इकाई, यह वह अभीष्ट क्षेत्रफल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। प्रश्न दिया गया है कि समाकलन विधि का उपयोग करके वक्र मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम दिए गए वक्र का समीकरण लिखते हैं। दिए गए वक्र का समीकरण ये दिया है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। अब देखिए क्या क्या स्थितियां हो सकती है। तो पहली स्थिति है कि x प्लस y इक्वल टू 1 होगा जब x और y दोनों शून्य से बड़े होंगे, ये पहली स्थिति। दूसरा, माइनस x माइनस y इक्वल टू 1 होगा जब दोनों राशियां शून्य से छोटी होंगी। x माइनस y होगा जब x तो शून्य से बड़ा होगा लेकिन y शून्य से छोटा होगा, और माइनस एक्स प्लस वाई मिलेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 मिलेगा जब x शून्य से छोटा होगा और y शून्य से बड़ा होगा। तो यदि हम इसको x और y के फॉर्म में लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1। माना कि ये समीकरण 5 है, तो ये 1 के इक्विवेलेंट समीकरण ये है। उसी प्रकार समीकरण 2 को देखा जाए तो इससे हम लिख सकते हैं x अपॉन माइनस 1 प्लस y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1। मान लेते हैं कि समीकरण 6 है, तो 2 के इक्विवेलेंट जो समीकरण है वो ये है। इसी प्रकार समीकरण 3 लिखा जाए तो x अपॉन 1 प्लस y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1। समीकरण 7, तो ये 3 और 7 इक्विवेलेंट है। इसी प्रकार x अपॉन माइनस 1 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1, ये समीकरण 4 से समीकरण 8 मिलेगा। तो ये जो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर आप चित्र में देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। A से B जो दिखाई दे रहा है ये रेखा 5 का समीकरण है, B से C जो दिखाई दे रहा है ये रेखा 6 का समीकरण है, और C से D जो आपको दिखाई दे रहा है ये समीकरण 7 है, और D से A जो दिखाई दे रहा है ये समीकरण 8 है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे कि अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 गुना जो हमारा ओ ए बी का क्षेत्रफल है उसका यदि हम 4 गुना कर दें तो हमें वह अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा जो कि ज्ञात करना है। तो यदि हम ए बी रेखा का समीकरण लिखें और उसका समाकलन करके क्षेत्रफल निकालें और उसमें 4 का गुणा कर दें तो हमें वह उत्तर मिल जाएगा जो कि चाहिए। तो दिया है कि अब हम ए बी का समीकरण लिखेंगे, तो ए बी का समीकरण दिया है x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 माइनस x। तो जो क्षेत्रफल निकालना है हमें, अभीष्ट क्षेत्रफल, तो ये है 4 गुना इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 1 माइनस x dx। ये 4 एक का समाकलन करेंगे मिल जाएगा x, x का समाकलन करेंगे मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, और ये 0 टू 1। पहले x के स्थान पर एक रखेंगे, एक ऋण 1/2, फिर ऋण पहले x और यहाँ पर भी x की जगह आप शून्य रखेंगे तो अल्टीमेटली हमें 0 ही मिल जाएगा, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 1 माइनस 1/2 दैट विल बी 1/2, तो 4 इंटू 1/2 दैट विल बी 2। तो ये जो दिया गया समाकलन था हमारा, जो वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, इसका क्षेत्रफल है 2 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न दिया गया है कि परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, रेखा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है
परवलय का समीकरण, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, माना कि यह समीकरण एक है, एवं सरल रेखा का समीकरण दिया गया है, यह है वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, माना यह समीकरण दो है। यदि इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तथा एक्स अक्ष अर्थात इसमें इसका जो समीकरण होता है ये वाई इक्वल टू जीरो होता है। वक्र एक और रेखा दो एक दूसरे को बिंदु पी बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और दूसरा दिया है वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो इन दोनों से हम ये कंक्लूजन लेकर के आ सकते हैं कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू को हम यहां पर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू। इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये एक्स में एक वर्ग समीकरण है, मध्य पद को तोड़ के हम इसका गुणनखंड करते हैं, तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। फर्स्ट टू टर्म से यदि आप एक्स कॉमन लें तो मिलेगा एक्स माइनस टू, और लास्ट टू टर्म से यदि आप वन कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा एक्स माइनस टू। दोनों पदों से आप एक्स माइनस टू कॉमन ले सकते हैं कि एक्स माइनस टू और फिर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने पर यहाँ पे मिल जाएगा एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो इन दोनों मानों को हम इस समीकरण में रख देंगे समीकरण दो में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वाई इक्वल टू टू प्लस टू दैट इज फोर, और y इक्वल टू एक्स प्लस टू तो माइनस वन प्लस टू दैट विल बी वन। तो ये हमें इस तरीके से ये मान मिल चुका है। तो हमें जो अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि आपको छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम लिख सकते हैं कि क्षेत्र एम पी ए बी एन एम, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। इसमें क्षेत्र एम पी क्यू ओ एम इसको घटा दें और इसके साथ में जो क्षेत्र बन रहा है ओ आर बी एन ओ इस क्षेत्रफल को यदि हम घटा दें तो हमें वह अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा जो कि हमें ज्ञात करना है। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू टू वाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस वन टू टू वाई वन डी एक्स, जहां y2 रेखा दो से संलग्न y का मान है और y1 वक्र एक से संलग्न y का मान है। तो यहां से अभी क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू टू एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स का समाकलन करेंगे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू का समाकलन करेंगे मिल जाएगा टू एक्स, और फिर माइनस इसका समाकलन करेंगे मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री। चूंकि दोनों का लिमिट सेम है इसलिए एक साथ हम इसमें लिमिट लगा सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, एक्स के स्थान पर हम पहले दो रखेंगे और फिर ऋण एक रख के घटा लेंगे। तो यहां पर रखेंगे दो का वर्ग चार, चार बटे दो मिल जाएगा दो, फिर दो दूनी चार ऋण दो, दो का घात तीन बराबर आठ, तो ये आठ बटे तीन, फिर ऋण चिन्ह और फिर एक्स का मान ऋण एक रखेंगे तो ऋण एक का वर्ग एक मिल जाएगा एक बटे दो, फिर दो और ऋण एक का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण दो, फिर ऋण एक का गुणा ऋण एक का घात तीन है तो मिल जाएगा ऋण एक, ऋण और ऋण धन एक बटे तीन।
अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4 और 2 मिल जाएगा 6, तो 6 ऋण 8/3 ऋण 1/2 धन 2 ऋण 1/3। सबका लघुत्तम सापर्थ हम 6 ले लेते हैं और सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा 36 ऋण 3 × 2 = 6, तो ये 8 × 2 = 16, फिर 2 × 3 = 6 और ये 3 × 2 = 3, और ये है 2, तो 6 × 2 = 12 और 6 से 3 को भाग देंगे मिल जाएगा 2 और ये ऋण 2। तो आगे सरल करते हैं, ये हो जाएगा आपका ये 36 और 12 = 48 ऋण 16, 17, 18, 19, 20, 21/6। इसको घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 27/6 और यदि इसे सरल करें तो 3 × 27 = 3×6। तो और अगर इसे सरल करना चाहें तो मिल जाएगा 4.5 वर्ग इकाई। तो ये वह अभीष्ट क्षेत्रफल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि वक्रों, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला जो दिए गए वक्र का समीकरण है वह लिखते हैं, ये है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स। तो यहां से हम पहले एक वक्र का समीकरण निकाल लेते हैं, अतः वक्र का समीकरण y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेते हैं कि समीकरण 1। तो ये एक परवलय का समीकरण है जो कि y अक्ष के परितः सममित है। अब दूसरा y इक्वल टू मॉड x हमें मिल जाएगा जो कि सरल रेखा का समीकरण है, तथा सरल रेखा का समीकरण y इक्वल टू मॉड x मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। तो इस समीकरण 2 से हमें 2 स्थितियां प्राप्त होगी, जब y इक्वल टू माइनस x होगा जब x का मान ऋणात्मक संख्या होगी, और y का मान x के बराबर होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब हम वक्र 1 और 2 के प्रतिच्छेद बिंदु के लिए प्रतिबंध ज्ञात करते हैं। तो वक्र 1 व 2 के प्रतिच्छेदी बिंदु हेतु y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक बार y इक्वल टू x पुट करके देखते हैं, तो y इक्वल टू x रखेंगे तो मिल जाएगा जब y इक्वल टू x है और x इज ग्रेटर देन 0 है, अर्थात ये वाली स्थिति है। इसको पक्षांतर करते हैं और मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज x इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 1। तो ये हमें 2 मान मिल चुके हैं, तो इस तरीके से हम y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 1, क्योंकि इस स्थिति में y इक्वल टू x है। अतः परवलय y इक्वल टू x स्क्वायर तथा y इक्वल टू x रेखा के प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक हमें मिल चुके हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु हैं, पहला तो मूल बिंदु है 0, 0 तथा दूसरा एक बिंदु है, मान के चलते हैं कि ये A है, यहां पर ये एक आएगा, एक। तो ये 2 बिंदु हमें मिल चुका है। अब दूसरी स्थिति लेकर के चलना है जब y इक्वल टू माइनस x होगा, अर्थात ये वाली स्थिति को लेकर के हमें आगे चलना है। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
इसमें हम माइनस एक्स लेकर के चलते हैं वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये तब की स्थिति है जब y इक्वल टू माइनस एक्स है और x का मान लेस देन जीरो है। तो यहां से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, दोनों से हम x कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा x प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये कि x इक्वल टू जीरो या फिर x इक्वल टू माइनस वन। अब ये जो स्थिति है यहां से हमें y का मान मिल जाएगा, इसलिए y इक्वल टू जीरो मिलेगा तथा y इक्वल टू वन मिल जाएगा। तो हमें इस प्रकार यहां पर भी प्रतिच्छेदी बिंदु मिल रहा है, तो हम लिखेंगे कि अतः परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा रेखा y इक्वल टू माइनस एक्स के प्रतिच्छेदी बिंदु मूल बिंदु शून्य शून्य तथा b माइनस वन वन है। तो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात यह है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमें दिखाया गया है। तो यहां पर जो वक्र में क्षेत्रफल बना हुआ है उसको हमने तीन क्षेत्र में भाग दिया है। एक है क्षेत्र R1 जो कि वक्र के ऊपर की ओर है, R2 जो है वो प्रथम चतुर्थांश पर स्थित है आप देख पा रहे हैं, और इसी प्रकार R3 या द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह क्षेत्र R1 तथा y इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड x क्षेत्र R2 और R3 को निरूपित करता है। चूंकि y अक्ष पर कोई बिंदु P01 के लिए y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज ग्रेटर देन वन, ये जो है यह सत्य है। तो मिल जाएगा y इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड x और y इज लेस देन आर इक्वल टू x, और जब x का मान शून्य से बड़ा है तब हमें मिल जाएगा एक बटे दो और एक। इसके लिए वन इज लेस देन वन बाई टू, ये असत्य की स्थिति है, यह असत्य है। अतः अभीष्ट छायांकित भाग जो होगा या फिर छायांकित क्षेत्रफल, इसे हम लिखेंगे दो गुना क्षेत्र ओ सी ए एम ओ ऋण क्षेत्र ओ डी ए एम ओ। इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं दो गुना इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन वाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन वाई वन डी एक्स, जहां पर वाई वन वक्र वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से संलग्न वाई का मान है तथा वाई टू वाई इक्वल टू एक्स से संलग्न वाई का मान है। तो इन दोनों मानों को हम यहां पर रख देते हैं, दो गुना इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन, ये मिल जाएगा आपको एक्स डी एक्स, फिर माइनस जीरो टू वन, ये आपको मिल जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हमें सरल करना है और फिर जो आएगा वो उस अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तुम्हारा अभीष्ट क्षेत्रफल मिल रहा है टू टाइम्स जीरो टू वन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे सॉल्व करते हैं, टू टाइम्स x का समाकलन करेंगे मिल जाएगा x square upon 2, और वैसे x square का समाकलन करेंगे मिल जाएगा x cube upon 3, दोनों का लिमिट सेम है इसलिए एक साथ लिमिट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो
तो ये टू इंटू, पहले x के स्थान पर एक रखेंगे तो एक का वर्ग एक, और ये एक बटे दो ऋण एक बटे तीन, फिर ऋण लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जीरो और ये जीरो, तो अल्टीमेटली इसको हम लिख रहे हैं जीरो। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा टू, और ये एलसीएम आएगा सिक्स, ये थ्री माइनस टू, सो टू इंटू वन बाई सिक्स, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा वन बाई थ्री, वन बाई थ्री वर्ग इकाई, ये जो क्षेत्रफल हमें निकालने कहा गया था वो है। प्रश्न दिया गया है कि वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इन स्थितियों में आपको पता है कि दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हमें पहले ज्ञात करने होते हैं। तो वक्र के समीकरण हैं, पहला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये परवलय का समीकरण है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम्स माइनस फोर टाइम्स वाई माइनस वन इक्वल टू टू, ये भी परवलय का समीकरण है। तो वक्र एक और दो का पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं, के प्रतिच्छेद बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदुओं के भुज के लिए एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट को भुज कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को कोटि कहते हैं। तो यहां पे इसके भुज के लिए हम बात कर रहे हैं, समीकरण एक से वाई का मान समीकरण दो में रखने पर तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस फोर। इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, या फिर इसे हम यही लिख सकते हैं कि फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर। तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बाई फाइव, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू बाई रूट फाइव। तो यहां पर दो बिंदु मिल रहा है, एक है टू बाई रूट फाइव और दूसरा मिल रहा है माइनस टू बाई रूट फाइव। तो यदि इसे चित्र में दिखाना हो तो इस तरीके से दिखा सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अक्ष के परितः सममित है, और दूसरा जो समीकरण है ये भी y अक्ष के परितः सममित है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड है। तो इस तरीके से चित्र में आप देख पा रहे हैं कि बिंदु M पर x इक्वल टू टू बाई रूट फाइव तथा बिंदु N पर x इक्वल टू माइनस टू बाई स्क्वायर रूट फाइव। तो यदि इसके हमें क्षेत्रफल निकालने का आ जाए तो हम लिखेंगे कि अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर आपका लोअर लिमिट है, हम एक काम करते हैं, ये इसका लोअर लिमिट है माइनस टू बाई रूट फाइव टू, ये टू बाई रूट फाइव, और फिर वाई टू डी एक्स, फिर माइनस अगेन माइनस टू बाई रूट फाइव टू टू बाई रूट फाइव वाई वन डी एक्स। तो लिमिट की प्रॉपर्टी से हम इसको दो गुना कर देंगे और लिमिट को जीरो टू दिस नंबर कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा टू टाइम्स जीरो टू टू बाई रूट फाइव वाई टू डी एक्स, अगेन टू टाइम्स जीरो टू टू बाई रूट फाइव, ये लिमिट है और ये वाई टू वाई वन डी एक्स। तो अब हम आगे मान रखते हैं दो गुना जीरो टू टू रूट फाइव, ये लिमिट वाई टू, सो वाई टू इक्वल टू मिलेगा हमें वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर dx, फिर माइनस टू टाइम्स लिमिट फ्रॉम जीरो टू टू बाई रूट फाइव एक्स स्क्वायर, देन ये dx। इसका समाकलन करते हैं तो टू इंटू एक्स का समाकलन करेंगे मिल जाएगा x, x का घात दो है तो इसका समाकलन करेंगे x का पावर थ्री मिल जाएगा और ये अपॉन ट्वेल्व, और जीरो टू टू बाई रूट
रूट फाइव इसकी लिमिट है। सिमिलरली टू इंटू एक्स स्क्वायर है तो ये मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री और इसकी लिमिट जीरो टू टू बाई रूट फाइव। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो टू इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर हम रखेंगे टू बाई रूट फाइव प्लस टू बाई फाइव का पावर थ्री, तो पहले तो आपको मिल जाएगा फोर बाई फाइव अगेन टू बाई रूट फाइव एक्स का पावर थ्री करने से, देन ये वन अपॉन ट्वेल्व है और जब जीरो रखेंगे तो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर माइनस टू टाइम्स, अब एक्स का पावर थ्री है तो अगेन ये सेम, ये जो टर्म है यहां से लेकर यहां तक ये सेम मिलेगा तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली एट अपॉन फाइव रूट फाइव और ये थ्री है तो पांच और तीन का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा पंद्रह और जीरो रखेंगे तो अल्टीमेटली जीरो ही मिलेगा तो इसे लिखने की आवश्यकता फिर से नहीं। तो ये जो टर्म है टू इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं मिल जाएगा फोर अपॉन रूट फाइव, बारह पंचे साठ मिल जाएगा, वैसे तो कैंसिल कर सकते हैं कुछ टर्म्स को जैसे कि चार तिया बारह तो तीन पंचे पंद्रह, दो बटे पंद्रह वर्गमूल पांच, फिर ऋण आठ दुनी सोलह बटे पंद्रह वर्गमूल पांच। तो देखा जाए तो हम इसमें लघुत्तम समापवर्त जब एलसीएम निकालेंगे तो पंद्रह वर्गमूल पंद्रह इसका लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा और लघुत्तम समापवर्त मिल जाएगा पंद्रह वर्गमूल पांच। तो इस नंबर को इससे भाग देंगे तो आएगा पंद्रह, पंद्रह और चार को गुणा करेंगे मिल जाएगा साठ और ये दो और ऋण सोलह ही रहेगा तो अल्टीमेटली हम इसे दोनों को ऐड करके ऋण अट्ठारह लिख सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म है इसमें हमने दो का गुणा नहीं किया था तो दो का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा चार। तो ये दोनों का जो लघुत्तम समापवर्त होगा ये पंद्रह वर्गमूल पांच होगा और पंद्रह वर्गमूल पांच को वर्गमूल पांच से भाग देंगे आएगा पंद्रह, पंद्रह और चार का गुणा करेंगे मिल जाएगा साठ। दोनों का जो हर है ये लघुत्तम समापवर्त के बराबर ही है तो ऋण चार और ऋण सोलह तो मिल जाएगा ऋण बीस, सरल करने पर आपको मिल जाएगा चालीस बटे पंद्रह वर्गमूल पांच और यदि इसे आप सरल करना चाहें तो लिख सकते हैं आठ वर्गमूल पांच बटे पंद्रह वर्ग इकाई। तो ये इस दिए गए प्रश्न का उत्तर है। बच्चों आपने इस अध्याय में देखा कि निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग करके किस प्रकार दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ ही बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने ये देखा कि जहाँ पर दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल निकालना होता है सबसे पहले हम दोनों वक्रों के बीच में उभयनिष्ठ बिंदु या एक दूसरे का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं और यदि हम y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो y का मान जिस बिंदु से जिस बिंदु तक बदलता है वो उसके लिमिट के रूप में आता है और हम समाकलन करके दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आपने यह देखा कि जब कोई ज्योमेट्री x अक्ष या y अक्ष के परितः सममित होती है तो स्थिति के अनुसार हम एक चतुर्थांश में उस वक्र से घिरा क्षेत्रफल निकाल करके उसका चार गुना कर देते हैं यदि वह x और y दोनों अक्ष के परितः सममित है, और यदि वह केवल एक अक्ष के परितः सममित है तो किसी एक चतुर्थांश में उन वक्रों और अक्षों के बीच घिरा क्षेत्रफल निकाल करके उसका दोगुना कर देते हैं तो हमें अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाता है। यहाँ पर आपने ये भी देखा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वृत्त का, परवलय का, अति परवलय का, इन अलग अलग ज्यामितीय सूत्रों का उपयोग करके आपने इस अध्याय को पूर्ण किया।